नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। आज हम BCOM 6M फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है मैनेजरियल अकाउंटिंग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक प्रॉब्लम मैं आपको एक चैप्टर से करके दिखाने वाला हूँ। वैसे मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। पहला यूनिट थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी पूछेगा, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या मैनेजरियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकता। दूसरा यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसके थोड़े फार्मूले होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर भी अच्छे खासे वीडियो अवेलेबल है। तीसरा यूनिट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेकर बाय डिसीजन, ये असल में थ्योरिटिकल टाइप के प्रॉब्लम ही रहते हैं, लेकिन कोई इसका स्ट्रिक्टली फॉर्मेट नहीं रहता। आप इसको ये समझ सकते कि एक रिपोर्ट राइटिंग के वैसा है। आप इसका सोल्यूशन करना, सोल्यूशन करके अपने सजेशन देना, एडवाइस करना। थोड़े हैं इसमें भी मेथड, जैसे कि एड एंड ड्रॉप मेथड है, मेकर बाय डिसीशन मेथड है, थोड़े है, इम्पॉर्टेंट ही है ये। इसके ऊपर अभी फिलहाल मेरे वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। प्लेलिस्ट में देखिए आप, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं और थोड़े बनाने वाला हूँ। फिफ्थ यूनिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। ये इस सब्जेक्ट का सबसे आसान चैप्टर है, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करता हूँ, इसका प्रॉब्लम सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ये 5 यूनिट है, पहला यूनिट तो आपका थ्योरी है, बाकी के प्रैक्टिकल्स हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ऑलरेडी इसके ऊपर और इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है। अभी मैं फिलहाल इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। तो चलिए इस चैप्टर में करना क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इस चैप्टर में आपको 4 मेथड है, एक है मटेरियल वेरियंस, दूसरा है लेबर वेरियंस, तीसरा है ओवरहेड वेरियंस और चौथा है सेल्स वेरियंस। अब थोड़ा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता वो जो आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो या आपकी एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, क्या होना चाहिए और हकीकत में क्या हुआ, इसके बारे में हम एनालिसिस करते रहते हैं। इसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें आप मूर्ति बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। एक मूर्ति समझ लीजिए, एक 3 फीट की मूर्ति के लिए 10 किलो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और वो मिट्टी आपको 1 किलो है सो 5 रुपये के हिसाब से मिलती है। यह है प्राइस, मार्केट में आप 5 रुपये से खरीदते और 10 किलो इस्तेमाल में लाते हैं, इस तरह आपकी जो मूर्ति बनेगी उसका खर्चा बैठेगा 50 रुपये। यह है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड। ये हकीकत में आपके साथ होते रहता, ये आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन है, ऐसा होता है। लेकिन इस बार जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें तब है सो, क्योंकि हमारे पास 9 सीखिए थे मूर्ति बनाने वाले, इस बार मान लीजिए कि वो लोग 12 किलो मिट्टी इस्तेमाल कर लिए, और इस बार रेट भी बढ़ गए मार्केट में, कम भी हो सकते, बढ़ भी सकते। फर्ज कीजिए कि आप 6 रुपये से मार्केट से खरीद के लाए मिट्टी पर केजी, तो इस लिहाज से ये हुआ आपका 72 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर। तो हकीकत में आपको जो मूर्ति बन के तैयार होनी चाहिए थी, वो 50 रुपये में बन के तैयार हो जानी चाहिए थी। 10 किलो का मटेरियल लगना चाहिए था,
₹5 से खरीदना चाहिए था 1 किलो मिट्टी और ₹50 में बन के तैयार हो जानी चाहिए थी। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? आप 12 किलो इस्तेमाल कर लिए 10 किलो की जगह। आप अब तक तो 10 किलो में बना लेते थे, लेकिन इस बार 12 किलो इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बनाने वाला नौसिखिया था, कुछ भी रीज़न हो सकता। और ₹5 की बजाय आपने 1 किलो मिट्टी ₹6 में खरीदी। इस हिसाब से आपको खर्चा बेटा ₹72। यह है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों को मिला करके, एनालिसिस करना। अब फॉर एग्जांपल यहीं पर ही हम दे सकते हैं कि ₹12 नहीं सॉरी ₹22 आपको महंगा पड़ गया। इस तरीके के एनालिसिस करना, इसे ही कहते हैं वेरियंस एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस में आपको यही करना है, होना क्या चाहिए था, हकीकत में हुआ क्या, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन दोनों के एनालिसिस करना है। कभी कॉस्ट के नज़र से, कभी प्राइस के नज़र से, कभी क्वांटिटी के नज़र से और कभी टोटल। तो बहुत सारी बातें हैं, आपको 4 मेथड है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले रहेंगे, सबके अंदर फार्मूले रहेंगे, मैं एक एक करके आपको बतलाऊंगा। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत आप हम मेटेरियल वेरिएंस से करते हैं। अब मेटेरियल वेरिएंस में, मेटेरियल वेरिएंस में इतने फार्मूले हैं। देखिए सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। फिर दूसरा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे कि ये यहाँ पर देख लीजिए, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है स्टैंडर्ड प्राइस, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये है एक्चुअल प्राइस। फिर है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फार्मूला देखिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फिर तीसरे नंबर पे है मेटेरियल यूसेज वेरियंस, इसे आप क्वांटिटी वेरियंस भी बोल सकते हैं, मेटेरियल क्वांटिटी वेरियंस। बहरहाल इसका फार्मूला है SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसके बाद में है चौथे नंबर पे मेटेरियल मिक्स वेरियंस, इसे मेटेरियल मिक्स वेरियंस कहा जाता है। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस रिक्वायर्ड क्वांटिटी या रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फिर पांचवें नंबर पे फार्मूला है मेटेरियल यील्ड वेरियंस, स्टैंडर्ड यील्ड रेट माइनस इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड यील्ड। ये क्या है मैं आपको प्रॉब्लम में बताऊंगा, इसका इस्तेमाल कैसा करना वो भी मैं बताऊंगा। बहरहाल अभी एक छोटा प्रॉब्लम लेंगे हम, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट हो। अक्सर आपको बस यही 4 फार्मूले पूछता मैक्सिमम, कभी कभी ये भी एक पूछ सकता। अगर ये पूछा तो सिर्फ यही पूछेंगा या इसके साथ ये मिलाकर पूछेंगा फोर्थ वन, नहीं तो हमेशा ये शुरू के 4 फार्मूले ज़्यादातर पूछता। मैं उनके ऊपर ही प्रॉब्लम आपको फिलहाल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8, कंप्यूट प्राइस यूसेज एंड मिक्स वेरियंस फ्रॉम द डाटा गिवेन बिलो। इंफॉर्मेशन देखिएगा, स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन इस प्रकार है, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई होगा, ये यहाँ पर छपा नहीं, 6 और 2 क्वांटिटी, प्राइस क्या है 1.5 3.5, टोटल क्या है 9 और 7। इसी प्रकार एक्चुअल इंफॉर्मेशन में देखिएगा, क्वांटिटी 5 और 1 है, यूनिट प्राइस है सो उनके 2.4 और 6 है, टोटल 12 और 6 है। तो इस प्रकार का ये प्रॉब्लम है, मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार का आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा,
मटेरियल वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और रिवाइज्ड क्वांटिटी, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। अब मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। 6, 2, प्राइस है देखिए 1.5 और 3.5, इंटू करने पर 9 और 7, यहाँ पर है 5, 1, 2.4 और 6, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। क्वांटिटी का टोटल कर लीजिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालने का बहुत अच्छा फार्मूला है, आर क्यू इज इक्वल टू एस क्यू डिवाइडेड बाई टोटल एस क्यू इंटू टोटल ए क्यू। तो एक्स और वाई का कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू ये 6, तो ये हो गया 6 बाई 8 इंटू 6, 4.5। दूसरा 2 बाई 8 इंटू 6, 2 बाई 8 इंटू 6, 1.5। चलिए आप एक एक करके फार्मूले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। फार्मूला है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी एक्स और वाई। अब एस क्यू इंटू एस पी हमने ये यहाँ पर करके ही रखा है, एस क्यू इंटू एस पी ये है 9 और ए क्यू इंटू ए पी ये है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमें 3, नेगेटिव में आ रहा तो इसको एडवर्स लिखना, अगर पॉजिटिव आया तो एफ लिखना, फेवरेबल, एफ मतलब फेवरेबल। अब वैसी दूसरा ये देखिए 2 इंटू 3.5 7, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर आया 1, फेवरेबल, दोनों मिलाकर आंसर आ गया 2, एडवर्स। 3 में से 1 गए, 2 बचा एडवर्स, क्योंकि 3 ज्यादा है। अब ये एक फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस करेंगे। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस फार्मूला है ए क्यू एस पी माइनस ए पी एक्स और वाई। सबसे पहले दोनों के ए क्यू देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी 5 और 1 है, 5 1। फिर दोनों के एस पी देखिएगा, 1.5 3.5 है, 1.5 3.5, और दोनों के ए पी 2.4 और 6, 2.4 है और 6 है, तो ये हो गया 5 1.5 2.4, यानी कि -0.9, 1.5 माइनस 2.4, और ये 1 इंटू माइनस में 2.5, माइनस इसलिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है। अब ये हो जाएगा देखिए 4.5 एडवर्स, क्योंकि माइनस है ना, और ये हो जाएगा 2.5 सेम एडवर्स, दोनों मिलके हो गए 7 एडवर्स, दोनों भी तो एडवर्स ही है। चलिए अब इसके बाद में हम तीसरा फार्मूला करेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फार्मूला है एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू। अब दोनों के एस पी देखिएगा 1.5 और 3.5, दोनों के एस क्यू देखिए 6 और 2 है, 6 और 2, दोनों के
ए क्यू, फाइव और वन। तो 1.5 इंटू प्लस वन, प्लस वन आएगा 3.5 इंटू ये भी प्लस वन। अब इसका आंसर आ जाएगा 1.5 फेवरेबल, 3.5 ये भी फेवरेबल, दोनों मिलकर आ जाएगा 5 फेवरेबल। अब ये तीन फार्मूले कर लेने के बाद में वेरिफिकेशन कर लेना। वेरिफिकेशन करने का तरीका बेहद आसान है। वेरिफिकेशन क्या एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल एमपीवी और एमयूवी के बराबर है, ये चेक करना है। तो एमसीवी का आंसर आया था हमें 2 एडवर्स में। अब क्या इन दोनों का टोटल भी 2a आएगा? अगर आ गया तो अब तक जो हम करें वो करेक्ट है। तो एमपीवी का है 7 एडवर्स और एमयूवी का टोटल है 5f। अब 7a में से 5f जाएगा तो 2a ही बचेगा, यानी कि वेरीफाइड। हम जो भी कुछ करें वो सब करेक्ट है। 7a में से 5f जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब जो भी हम करें वो करेक्ट है। अभी इसके बाद में मैं चौथा फार्मूला भी आपको दिखा देता हूं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फार्मूला है एसपी आर क्यू माइनस ए क्यू। दोनों के एसपी है 1.5 और 3.5, दोनों के आर क्यू है 4.5 और 1.5, ए क्यू है 5 और 1। इस लिहाज से 1.5 और ये हो गया माइनस 0.5। 3.5 इंटू ये हो गया 0.5 प्लस में, ये प्लस आएगा तो अब ये हो गया देखिएगा 0.75 एडवर्स, और ये आएगा 1.75 फेवरेबल। तो कुल मिलाकर 1 फेवरेबल आएगा। 3.5 इंटू 0.5 करेक्ट।